नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। देखिए, मिले जुले संकेत फिलहाल हम विदेशी बाजार से देखते सकते हैं। एशियाई बाजार हरे निशान के साथ फिलहाल खुलते हुए दिख रहे हैं। 11,919 के लेवल्स पर सेंसेक्स निफ्टी फिलहाल खरीदारी के लेवल्स के साथ कर रहा है ट्रेड। और तमाम एशियाई बाजार एक बार आपको दिखा देते हैं। हांगकांग के बाजार, निक्केई और शांघाई, यहां पर भी खरीदारी के लेवल्स। और आप देखिए, हांगकांग के बाजार में करीब 200 अंकों के ऊपर की खरीदारी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो चलिए, एक्शन पैक रहेगा आज का दिन, काफी कुछ है देखने को। लेकिन पूरी टीम को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि आज के लिए पहली रणनीति अपनी हमारे साथ शेयर करेंगे। दीपांशु भंडारी हमारे साथ हैं, जो कि ग्लोबल बाजार के संकेत हमें विस्तार से समझाएंगे। और साथ ही पूजा त्रिपाठी भी हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नतीजे आए, वो नतीजे कैसे रहे, हमें बताएंगे। एक ही बात है अब तो, कि ट्रेड डील होगी या नहीं होगी और किस तरह की होगी। उसके अलावा मार्केट्स का और किसी भी बात पर फोकस नहीं है। अगर आप देखें भी तो अमेरिकी बाजार में, एशिया के बाजार में तो खैर आज बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं। सुबह सुबह देखना पड़ेगा कि ये गेंस होल्ड करते हैं कि नहीं। पर अगर आप कल शाम अमरीकी बाजार का एक्शन भी देखें तो कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। S&P 500 ने एक क्लोजिंग हाई ज़रूर बनाया है, बट काफ़ी दायरे में ही रहा अमरीकी ट्रेड। आशंका है कि ये ट्रेड डील साइन होगी कि नहीं, क्योंकि बाकी सारे जो क्यूज हैं वो सब पॉजिटिव ही हैं। सिर्फ एक ये ट्रेड डील को लेकर थोड़ी टेंशन है। पर एक बात इसमें अच्छी है कि अगर बाजार ऊपर नहीं जा रहे हैं तो नीचे भी नहीं गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निवेशकों का मानना है कि एक ट्रेड डील तो हो ही जाएगी। अब किस तरह की ट्रेड डील होती है और कब होती है, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बाकी चीज़ों की बात करें तो नतीजों के चलते वॉलमार्ट में कल अच्छी तेजी देखने को मिली और उसकी वजह से अमरीकी बाजारों को थोड़ा सहारा मिला। वहीं सिस्को में 7% की गिरावट दिखी, क्योंकि उनकी गाइडेंस थोड़ी कमज़ोर थी। उसके अलावा अगर आप यूरोपीय बाजार में देखें तो वहां पर भी थोड़े लाल निशान में ट्रेड हुआ, क्योंकि वही ट्रेड डील को लेकर थोड़ी आशंका वहां पर भी थी। सोना और कच्चे तेल पिछले कई सेशन से काफ़ी सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है और इस बार भी वैसा ही रहा। US इन्वेंट्रीज गिरने से तेल में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली, पर वो भी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया है। डॉलर इंडेक्स इस समय थोड़ा सुस्त है और कल 6 दिन गिरने के बाद रुपए में फाइनली थोड़ी सी हमें बढ़त देखने को मिली। तकरीबन 13-14 पैसे की बढ़त आई रुपए में और वो 72 के नीचे एक बार फिर से आ चुका है। तो देखना पड़ेगा कि रुपया अगले आने वाले दिनों में 1-2 दिन चल पाता है कि नहीं, क्योंकि 6 दिन गिरने के बाद कल थोड़ी सी बढ़त उधर आई है। पर अगर देखें तो ग्लोबल क्यूज ज्यादातर मिले जुले थोड़े पॉजिटिव ही हैं और ये ट्रेड डील पर ही मेन फोकस रहेगा निवेशकों का। बिल्कुल दीपांशु, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो एक बात तो तय है कि ट्रेड डील से जुड़ी जो अनिश्चितताएं हैं वो अब भी जारी है और उसी का असर है जो कि हम विदेशी बाजार में देख रहे हैं। आप सुस्ती या फिर जो खरीदारी देखते हैं उसी का इवेंचुअल इम्पैक्ट है जिसकी वजह से हम देखते हैं ट्रेड डील से जुड़ी अनिश्चितताएं बुलियन मार्केट के लिए, सोने चांदी के लिए। वैसे एक पॉजिटिव भी साबित हो रही है, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ट्रेड डील से जुड़ी जो अनिश्चितताएं उसी का असर हम सोने चांदी पर देख रहे हैं पॉजिटिवली। लेकिन एक दायरे में कच्चा तेल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि पांच में बता रहे, लंबी कमजोरी के बाद रुपया जो है कल मजबूती के साथ क्लोज हुआ। तो आज रुपए की ओपनिंग किन लेवल्स पर होती है देखना बेहद जरूरी होगा। लेकिन अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं कि कल के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FIs DIIs का एक्शन एक बार समझने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि कहां पर खरीदारी की और कहां पर बिकवाली हुई। कैश मार्केट में FIIs ने की है 562 करोड़ की बिकवाली। काफी दिनों के बाद कैश मार्केट में FIIs की तरफ से बिकवाली आई है। वहीं घरेलू निवेशक ने कैश मार्केट में खरीदारी की है करीब 82 करोड़ की और वायदा बाजार में FIIs की तरफ से खरीदारी है 2,951 करोड़ की। तो कैश मार्केट में FIIs कर रहे हैं बिकवाली, लेकिन वायदा बाजार में खरीदारी जारी है। और अब रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजार के संकेत आज मिले जुले हैं, हालांकि रुपया और कच्चा तेल हमारे हक में है, कैसे समझे इन्हें और आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी? देखिए, थोड़ी बेहतर शुरुआत होने के आसार आप मानकर चल सकते हैं और खासतौर से एशियाई बाजारों में भी थोड़ी रिकवरी दोनों से आई, तो वो फायदे की बात है। और एक्सपायरी का प्रेशर भी निकल गया और वैसे भी एक्सपायरी के वक्त कल निचले स्तरों से जो शानदार रिकवरी और डे हाई पर बाजार जाकर बंद हुए तो एक अच्छा संकेत दिखा भी रहा है। तो कुल मिलाकर संकेत आज कल के मुकाबले में शुरुआत करने के लिए तो बेहतर दिख ही रहे हैं। अब जहां तक निफ्टी का सवाल है, 11,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर एक बार 11,900 जाने की कोशिश होगी। 11,900 के पार निकल कर टिके तो 50 पॉइंट और गिन लीजिए, 11,950 के आसपास जाने की कोशिश हो सकती है। फर्क इतना ही हुआ है पिछले 2 सेशन में कि निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 50 पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है। इतने दिनों से 11,850 12,000 की रेंज चल रही थी, अब 11,800 से 11,950 की रेंज आप मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए
30,350-30,500 बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है, और आज के लिए भी आप मान सकते हैं कि 30,500 नीचे की रेंज का लेवल माने, और ऊपर की तरफ 31,200 की रेंज में बैंक निफ्टी फिर से जाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आज तेजी बननी है और मजबूती आनी है तो इसकी लीडरशिप बैंकिंग शेयरों से आनी है। अगर बैंक मजबूत रहे तो ही बाजार आगे बढ़ सकता है, तो बैंकिंग शेयरों में जो कल रिकवरी आई है और अच्छी तेजी बनी है उस पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, साथ ही दूसरे तिमाही के जो नतीजे हैं उसका सीजन अब खत्म हुआ है, इस सीजन को कैसे देखना चाहिए और सेक्टर्स आज के लिए कौन से अहम होंगे? एक से कल परसों दो दिनों के रिजल्ट जो आए हैं ज्यादातर कंपनियों के वही ज्यादा खराब है, अदरवाइज तो पूरे रिजल्ट सीजन में ऐसे बड़े झटके लगे हों वैसा नहीं है। स्पेशली कल टेलीकॉम कंपनियों के दोनों की आइडिया और भारतीय एयरटेल के जो नतीजे आए उन्होंने एजीआर के चलते बड़े बड़े ऐतिहासिक नुकसान दर्ज किए हैं, तो आज टेलीकॉम सेक्टर वैसे भी दबाव में रह सकता है। लेकिन दूसरे नतीजे में देखें ग्लेनमार्क के नतीजे काफी बेहतर है, अगर आज उसका 3-4% 5% तक बढ़ सकता है तो ग्लेनमार्क के शेयर पर नजर रखने के लिए अच्छे नतीजे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नतीजे बेहद खराब है, यहाँ पर मार पड़ सकती है, आइडिया भारती इन पर मार पड़ेगी ही इतने बड़े कमजोर नतीजे के बाद में। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट सीजन क्योंकि अब खत्म हो चुका है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट सीजन उतना बुरा नहीं है जितना इसकी शुरुआत होने के पहले लोग सोच रहे थे कि रिजल्ट सीजन में काफी झटके लगेंगे जिस तरह से इकोनॉमिक स्लो डाउन की सारी बातें हो रही थी। ये भी कह सकते कि उम्मीद ने कमी कर ली थी, सेटिस्फेक्शन है। बिल्कुल अनिल जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाजार से मिले जुले संकेत हैं, उसी तरह से भारतीय बाजार में भी आज शुरुआत बेहतरी की तरफ ही होती हुई दिख सकती है। अनिल जी ने अभी बताया कि निफ्टी के लिए 11,800 से 11,950 की पहली ट्रेडिंग रेंज है जिसको आपको ध्यान में रखकर चलना होगा, और साथ ही बैंक निफ्टी देखिए 30,500 से 31,200 की ट्रेडिंग रेंज है। साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो काफी सारे सेक्टर्स है जिसमें एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि कल आखिरी दिन रहा जब सितंबर तिमाही के नतीजे का सीजन जो है वो खत्म होने जा रहा है, और कल के बाद आज से अब सेकंड क्वार्टर के नतीजे जो हैं वो सारे के सारे आ चुके हैं, मोटे तौर पर तमाम नतीजे आ गए हैं। टेलीकॉम शेयर्स आप देखिए खबरों के दम पर कल हमने काफी कुछ देखा और उसी के चलते आज एक नेगेटिव इंपैक्ट टेलीकॉम स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिख सकता है, तो टेलीकॉम स्टॉक्स को ध्यान में रखिए। और नतीजे कैसे आए हैं, नतीजे कैसे आने वाले हैं, पूरे रिजल्ट सीजन के दौरान हमने आपको बताया और यही फिर से आपको बताते हैं। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जान लेते हैं कि कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नतीजे हैं और ये सारे नतीजे कैसे रहे। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं कल किन कंपनियों के नतीजे हैं बाजार बंद होने के बाद? जी कल भी काफी ढेर सारी कंपनीज के नंबर आए मानसी, शुरुआत निफ्टी और एफएनओ से ही हमारा फोकस रहेगा। इसमें ओएनजीसी के नंबर एक बार देख लेते हैं, मिले जुले कह सकते हैं क्योंकि ऑपरेशनल आधार पर देखेंगे तो नंबर हमारे अनुमान से अच्छे हैं, लेकिन मुनाफे में अनुमान से कमी इस बार देखने को मिली है। आय घटी है कंपनी की 7% से, कामकाजी मुनाफा 12% आया है, 13,204 ये नंबर ये आंकड़ा हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उसके सामने जो नंबर आया है 13,290 करोड़ का वो काफी अच्छा दिख रहा है। मार्जिन में भी हम करीब 53% के मार्जिन के हम उम्मीद कर रहे थे, उसके सामने 54.3% के मार्जिन के नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं, लेकिन मुनाफा हमारे अनुमान से कम दिखाई दे रहा है, मिले जुले कहेंगे ओएनजीसी के नंबर। टेलीकॉम कंपनियों ने जैसा कि थोड़ी देर पहले अनिल जी बात कर रहे थे, एक बड़ा हिट लिया है अपने नंबर्स पर, वो जो एजीआर का था उसके सामने भारी प्रोविजनिंग करनी पड़ी, इसलिए दोनों ही कंपनियों के जो नंबर्स आए हैं वो कमजोर साइड पर दिख रहे हैं। भारतीय एयरटेल में लेकिन अगर हम देखेंगे तो नंबर्स ऑपरेशनल आधार पर अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कॉमेंट्री काफी कमजोर है और ये जो बड़ा एजीआर का हिट लिया है अपनी बुक्स पर उसको लेकर काफी चिंता बताई जा रही है। अगर QOQ नंबर्स कंपेयर करेंगे तो इस बार करीब 23,000 करोड़ का घाटा हुआ है, पिछले क्वार्टर के 1,397 करोड़ के सामने काफी बड़ा घाटा इस बार देखना पड़ा। आय में 2% की बढ़त हुई है, कामकाजी मुनाफा काफी अच्छा नंबर आया है 42% का, इतनी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, तो ऑपरेशनल आधार पर नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन कॉमेंट्री की अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, उनका कहना है कि ग्रुप के आगे जो कारोबार करने की एबिलिटी है उसको लेकर कहीं ना कहीं शंका है, इस तरह के कॉमेंट आ रहे हैं, और आने वाले समय में वो फ्रेश पूंजी जुटा पाएगी या नहीं उसको लेकर भी कोई खास क्लियर इंडिकेशन नहीं दे पा रही है भारतीय एयरटेल, तो कमेंट्री काफी ज्यादा कमजोर यहां पर दिखाई दे रही है। एफएनओ स्पेस से वोडाफोन आइडिया ने भी अपने नतीजे घोषित किए, बेहद ही कमजोर नंबर्स एजीआर के चलते, आय घटी है 4%, कामकाजी मुनाफा भी घटा है कंपनी का, और इस बार भी करीब 50,000 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। यूनियन बैंक के नंबर्स मिले जुले दिखाई दे रहे हैं लेकिन कमजोर साइड पर है, इस बार जो स्लिपेजेस है वो करीब 4,000 करोड़ का कंपनी के बुक्स पर एक हिट लगा है, जिसके सामने प्रोविजनिंग भी
काफी ज्यादा करनी पड़ी और उसी के चलते देखिए घाटे मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी। हालांकि नेट एनपीए के नंबर्स अगर देखेंगे और ब्याज से आय के नंबर्स देखेंगे तो वहां पर सुधार हुआ है। ब्याज से आय 16% बढ़ी है, नेट एनपीए में सुधार देखा गया है। तो मिले जुले नंबर्स कहेंगे यूनियन बैंक के। सीएसई के नंबर्स भी अनुमान से कमजोरी है, आय में मामूली 1% की बढ़त हुई है, कामकाजी मुनाफा घटा है कंपनी का 9% से और मुनाफे में भी मामूली 1.5% की ही बढ़त देखी गई है। एनबीसीसी के नंबर्स भी काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहे हैं, आय में गिरावट दर्ज हुई है 21% की, कामकाजी घाटा इस बार कंपनी ने दर्ज किया है और मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नंबर्स भी कमजोर साइड पर ही हैं, आय में 17% की गिरावट, कामकाजी मुनाफा घटा है कंपनी का 15% से और मुनाफे में करीब 40% की बढ़त हुई है, वो एक टैक्स एडजस्टमेंट का सहारा मिला है जिसकी वजह से ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज नंबर्स कमजोर हैं। ग्लेनमार्क फार्मा के नंबर्स लेकिन उम्मीद से बेहतर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, आय में 9% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा भी बढ़ा है कंपनी का और मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स शानदार है। 14.5% का हम अनुमान कर रहे थे, उसके सामने 16% के फिगर्स कंपनी ने जब पोस्ट किए हैं। पेज इंडस्ट्रीज के नंबर्स भी अनुमान के मुताबिक ही हैं, आय में 12% की बढ़त इस बार दर्ज हुई है और मुनाफा बढ़ा है करीब 24% से। और आखिर में बात करते हैं सेल की, यहां पर भी नंबर्स हम कमजोर ही एक्सपेक्ट कर रहे थे और वैसे ही नंबर्स इस बार आए हैं, घाटे से मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी और आय में 15% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है, कामकाजी मुनाफा 50% घटा है कंपनी का। ओके पूजा शुक्रिया ये सारे के सारे पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स हमारे सामने रखने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं एफआईआर की, यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो हमारे इस खास सेगमेंट एफआईआर में हम आपको बताते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की नजर किन शेयर्स पर है, और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट सृष्टि शर्मा। सृष्टि गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज हाउसेस आज कहां पर फोकस करेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी, सबसे पहले बात करते हैं हम उस कंपनी की और साथ ही उस सेक्टर की भी जो कि आज काफी फोकस में रहेगा, एयरटेल। देखिए नतीजों के बाद यहाँ पे दो ब्रोकरेज हाउसेज ने रिपोर्ट दी है, दोनों ही इस पे न्यूट्रल और इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं। देखिए क्रेडिट स्विज ने थोड़ा सा लक्ष्य बढ़ाया है, 307 से बढ़ा के 380 के वो नए टारगेट्स दे रहे हैं, और मॉर्गन स्टेनली भी इस पे इक्वल वेट है जो कि मौजूदा भाव है कंपनी का 365 उससे थोड़े से कम के टारगेट्स 360 के लक्ष्य के साथ। इसके बाद ओएनजीसी मिले जुले नतीजों के बाद यहाँ पे जेफरीज ने इस पे खरीदारी की राय दी है और अपने लक्ष्य 180 से घटाकर अब उन्होंने 170 कर दिए हैं, 140 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट इस पे अभी जेफरीज बुलिश है। अपोलो हॉस्पिटल्स पे नजर डालते हैं, अनुमान से नतीजे बेहतर रहे थे आय और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पे, पर टैक्स की वजह से थोड़ा सा मुनाफे पे हिट देखा गया था, पर नोमेरा इस पे काफी बुलिश है, मौजूदा भाव से 20% के ज्यादा के वो लक्ष्य दे रहे हैं, उन्होंने 1693 के इस पे टारगेट्स बताए हैं। यूनियन बैंक मिले जुले नतीजों के बाद यहाँ पे क्रेडिट स्विज इस पे न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, पर टारगेट रिवाइज किया है उन्होंने, 75 से लक्ष्य घटा के उन्होंने 56 के कर दिए हैं। और आखिरी में नजर डालते हैं हम ग्लेनमार्क फार्मा पे, कि अनुमान से काफी बेहतर आए थे इसके नतीजे, पर नोमेरा ने इससे मौजूदा भाव से करीब दुगने के टारगेट्स दिए हैं, इस पे खरीदारी की राय दे रहे हैं और 653 के वो लक्ष्य बता रहे हैं। ओके सृष्टि शुक्रिया ये तमाम डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एफआईआर आज कहां पर नजर रखेंगे ये हम अभी आपको बता रहे हैं, लेकिन साथ ही ये जो एक्शन है ये कितना ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है दिन के दौरान हम आपको बताएंगे, 1 बजे के बुलेटिन में भी आप देखेंगे कि एफआईआर एक्शन में अब आगे क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देवांशी आशा से जानते हैं कि आज खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। देवांशी गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों के दम पर आज कहां एक्शन दिखेगा। बिल्कुल मानसी गुड मॉर्निंग, सबसे पहले इवेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आज रिजल्ट सीजन खत्म होता हुआ दिख रहा है, आज कोई रिजल्ट्स नहीं है तो आप देखिए सिर्फ इवेंट्स पर फोकस रहेगा। जेट एयरवेज के जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको सबमिट करने की आज आखिरी तारीख है, इस पर नजर रहेगी, और साथ ही फोर्टिस IHH डील पर आज सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता हुआ दिख सकता है, इस पर भी आज कड़ी नजर रहेगी। सिप्ला ये स्टॉक नेगेटिवली फोकस में रहेगा, USFDA से कंपनी के जो पाथलगंगा प्लांट है उसके दो प्लांट्स को आपत्तियां जारी कर दी गई हैं, 4 आपत्तियां कुल मिलाकर इस प्लांट पर जारी कर दी गई हैं। वेदांता इस स्टॉक पर भी नजर रखें, क्षमता विस्तार के लिए उन्होंने जो अपना गाइडेंस है वो घटा दिया है, पहले इन्होंने जो अपना गाइडेंस दिया था वो 10,000 करोड़ का दिया था, वहां से घटाकर अब 8,000 करोड़ से लेके 8,500 करोड़ का जो गाइडेंस है वो अब कंपनी दे रही है। SBI खबर पहले भी आ चुकी थी कि कंपनी SBI कार्ड में अपना हिस्सा बेच सकती है, अब फाइनली उनको बोर्ड ने मंजूरी दे दी है ये करने के लिए, इसके जरिए कंपनी करीब 3.73 करोड़ जो शेयर्स है वो बेचेगी SBI कार्ड में और इसके जरिए फंड्स जुटाएगी। नैटको फार्मा
नामा विशाखापट्टनम के एफटीएफ इकाई में कामकाज शुरू हो चुका है। अब कंपनी यूएस और अन्य देशों पर ज्यादा फोकस करेगी, यानी कि एक्सपोर्ट्स पर ज्यादा फोकस करेगी। आईआरसीटीसी अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। कंपनी की जो प्रीमियम ट्रेन है, यानी कि राजधानी शताब्दी दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेन है, यहाँ पे उन्होंने अपने जो केटरिंग के दाम है वो बढ़ा दिए हैं। इसके चलते जो आय है थोड़ा सा सहारा यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। और इन्फो एज आखिर में इस पर नजर कीजिए, खबरें ये चलती हुई दिख रही थी कि जोमैटो में हिस्सा बिक्री होती हुई दिख सकती है। कंपनी के अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। सफाई आई है कंपनी की कि जोमैटो पर हिस्सा बिक्री पर फिलहाल कोई विचार नहीं है। इस साल के अंत तक अगर ब्रेक इवन होता है उसके बाद कंपनी जोमैटो में हिस्सा बिक्री पर विचार कर सकती है, लेकिन फिलहाल हिस्सा बिक्री पर कोई बातचीत जारी नहीं है। ओके, तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आज फोकस रहेगा। देवांशी शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आज बाजार में कहां हो सकती है आपकी कमाई, इस पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रोहित सिंगरे। रोहित, गुड मॉर्निंग। कल बाजार ने निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखी, आज के लिए कौन से अहम लेवल्स देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मासी, आई थिंक निफ्टी के अंदर स्ट्रक्चर थोड़ा वोलेटाइल है। हम लोग ने देखा कि परसों पोजीशन में 850 को डिसीज ब्रेक किया, उसके बाद में कल 800 का लो बना के ऊपर 11,870 के ऊपर क्लोजिंग दिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा वोलेटाइल सेशन है। अगर किसी को ट्रेड लेना तो मुझे लग रहा है लॉन्ग साइड लेना चाहिए, बट एक कंडीशनल ट्रेड रहेगा, 11,885 इमीडिएट हर्डल है, उसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो मुझे लग रहा है कि एक बार 11,950 तक मूव आ सकता है। तो बाय अबो की स्ट्रेटेजी रखनी है, 11,885 के ऊपर बाय करके चलिए, स्टॉप लॉस आपका 11,840 का रहेगा। स्टॉप स्पेसिफिक अगर बात करें तो मुझे वोल्टास काफी अच्छा लग रहा है, कल के सेशन में काफी अच्छी बाइंग देखी थी, मुझे लग रहा है यहाँ पे लॉन्ग करके चलना चाहिए 730 के टारगेट के लिए, 702 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा स्टॉक मेरा एमफेसिस रहेगा, इसके अंदर भी काफी अच्छा मुझे वॉल्यूम एक्टिविटी दिख रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से 910 तक का टारगेट हो सकता है, तो यहाँ पर लॉन्ग करने की चला रहेगी। बिल्कुल रोहित, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो वोल्टास और एम्फासिस दोनों में ही खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। चलिए अब आज के लिए हम ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कॉल्स हमारे पास है, उनका मानना है कि ग्रैन्यूल्स इंडिया पर आपको करनी है खरीदारी, 130 के लक्ष्य को ध्यान में रखा जाए, 122 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही क्वेस्ट कॉर्प, यहाँ पर भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। एक्सिस सिक्योरिटीज मानता है कि 585 के टारगेट यहाँ पर आप देख पाएंगे, 558 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल न भूलें। इसके अलावा कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं हमारे पास निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की, उनका मानना है कि मारुति सुजुकी में आप कर सकते हैं खरीदारी, 7,400 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 7,170 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही एस्टर डीएम हेल्थ केयर, इस स्टॉक में भी खरीदारी की जा सकती है, 166 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 144 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल न भूलें। लेकिन अब कमोडिटी बाजार की आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले कच्चे तेल पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे, एक दायरे में कामकाज हम यहाँ पर देख रहे हैं, ट्रेड डील से जुड़ी जो अनिश्चितताएं हैं ये कारण इसके पीछे रही है, कोई स्ट्रैटेजी बिल्टअप हो रही है? जी गुड मॉर्निंग मानसी, यहाँ पे देखा जाए तो $58 से नीचे ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है, जब से ऊपर जब तक इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है तब तक लग रहा है कि एक दायरे का कारोबार रहेगा। हालांकि कल एक थोड़ी सी गिरावट थी और आज यहाँ पे रिटेल सेल्स से एक पॉजिटिव डेटा एक्सपेक्टेड है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में भी ये अपसाइड दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से छोटी सी बाइंग यहाँ पे बन सकती है और थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे कच्चा तेल में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 4100 के लेवल पे बाय करना चाहिए, 4175 का टारगेट रखना चाहिए, जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा 4060 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी, 4175 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 4060 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको, और यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बेस मेटल्स की चाल काफी उतार चढ़ाव के साथ पिछले दिनों में हमने देखा है, कॉपर, निकल और जिंक में काफी एक्शन भी रहा है, पर्टिकुलरली कॉपर की अगर बात करें करंट लेवल्स को देखते हुए क्या इसे खरीदारी का मौका समझा जाए? 437 के लेवल्स हमने देखे हैं, करीब आधे प्रतिशत की बिकवाली थी। जी मानसी, कल के मार्केट में करेक्शन आया और जिस तरीके से था कि वो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकते हैं अगर चाइना ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिस तरीके से ट्रंप का स्टेटमेंट आया था, तो उसके बाद ही बाजार ने बहुत रिएक्ट करना शुरू किया, बुलियन में हम लोगों ने एक जंप आते हुए देखा और बेस मेटल में वहीं पे गिरावट थी। आज के कारोबार में मुझे लग रहा है जो इकोनॉमिक रिलीजेस होंगे वो मेजर ट्रिगर्स होंगे और मार्केट ट्रेडिंग को थोड़ा इग्नोर करके चल सकता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉपर में एक बार बाइंग फिर से आ सकती है, यहाँ पे बहुत लंबी बाइंग किसी भी बेस मेटल में नहीं है, रादर थोड़ी सी यहाँ पे मार्जिनल बाइंग है, 437 से बाय करके 442 का एक टारगेट रखना चाहिए 5 रुपए का,
और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा इस पोजीशन के लिए वो होगा 435 का। बिल्कुल वंदना, हफ्ते भर की कमजोरी देखने के बाद कल रुपया करीब 12 पैसे मजबूत हुआ है, इस मजबूती को देखते हुए आज के लिए कौन से लेवल्स अहम होंगे? क्या ये 7197 के लेवल्स हैं, वो यहाँ से आगे ज्यादा मजबूत होते हुए दिखेंगे? जी मानसी, बहुत अच्छा कहा आपने, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि काफी डिप्रिसिएट हुआ था और लग रहा था कि एक बार 72.4572.5 के पास जाके ये जो डिप्रिसिएशन है वो रुक सकती है, यूएसडी में थोड़ी सी कमजोरी आ सकती है और वही हुआ, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे अप्रिसिएशन साइड होना चाहिए और 71.85 तक का जो एक लेवल है वो मुझे लग रहा है कि एक से दो ट्रेडिंग सेशन में करेंसी में आना में देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे कि अप्रिसिएशन साइड करेंसी हो सकती है। जी बिल्कुल वंदना, तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।